कोरिया जिले में यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन देखने को मिल रहा है। मालवाहक से सवारी लाई जा रही है, जिस वाहन का इस्तेमाल माल परिवहन के लिए होना चाहिए उस वाहन पर क्षमता से अधिक सवारियों को भरकर परिवहन किया जा रहा है, जिससे किसी भी दिन बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं इस हिसाब से मैं कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा था कि मजदूर पिकअप से आते हैं, ओवर सवारी आते हैं तो उसमें दुर्घटना का संकेत दिखाई देता है। इस हिसाब से मैं शिकायत किया था, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब इसके हिसाब से मैं क्या करूं उस पर आप ही बताइए। कुछ दिन पहले जनरेशन के माध्यम से शिकायत भी प्राप्त हुई है कि मालवाहक में बहुत सारे श्रमिक जो है गाँव की ओर से शहर की ओर जो मालवाहक गाड़ी में भर भर के लाए जाते हैं। इसमें कलेक्टर साहब स्पष्ट बोले हैं कि ज्वाइंट टीम बना के जो है RTO रहेंगे, जिसमें पुलिस के भी अधिकारी रहेंगे और SDM कार्यालय के भी अधिकारी रहेंगे, तीनों की संयुक्त जो टीम बना के इस पर फिर कार्रवाई करेगी। देखिए, अब मालवाहक जो वाहन होता है वो सिर्फ माल को लाने ले जाने के लिए यूज़ होता है, और इसका पर्पस अगर लोगों को लाने ले जाने के लिए हो रहा है तो ये भी नियम विरुद्ध है। और लोग उसमें आ भी रहे हैं और ओवरलोड भी हैं, तो ओवरलोड में अगर आ रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये नियम विरुद्ध है, इसमें ज्वाइंट टीम बना के इस पर कार्रवाई की।